คิดโหหวังมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมันม่วงคิดกูไม่ว่าแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำลื้อล่วงไงพี่แกงจะได้ทำได้ทำได้เอาไปกังวะไอ้แฮะมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงसफलता का वाहन है चमत्कार है चमत्कार बाबा। तो लौंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में ना तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोग और तुम्हारे फ्रेंड्स पूरा हैरान हो जाने वाले हैं। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना तुम लोग के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना अपने केप टाउन के, और ना जैसे तुम लोग अपने जीप को लेके यहाँ पे आ जाओगे तुम लोग कुछ इस वाली जगह पे ना ऐसे बैठ जाना। उसके बाद तुम्हारा जो एक फ्रेंड रहेगा, मतलब जो भी फ्रेंड को बुला सकते हो अपने, और उसे बोलना है ना जीप में बैठ के तुम्हें बहुत ही आराम से धक्का देने के लिए यहाँ पे, मतलब आराम आराम से करना है। अगर तेजी में करोगे ना तो ये ट्रिक वर्क नहीं करने वाला है। तो तुम लोग को ना तुम्हारे फ्रेंड को बोलना है आराम आराम से धक्का देने के लिए, एकदम आराम आराम से। तुम लोग को पूरा मतलब फायर बटन दबा के ना आगे की साइड करे रखना है, और जैसे तुम्हारा फ्रेंड तुमको बहुत ही आराम से धक्का देगा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तुम लोग ना पूरा पानी के नीचे आ चुके हो, मतलब जमीन के नीचे आ चुके हो। अरे बाबा! और ना जैसे ही तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, साथ साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से ना ऊपर के बंदे डाउन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत सारे मजे कर सकते हो, मतलब इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल कर तुम लोग 3 बंदे यहाँ पे आ सकते हो अपने स्क्वाड के और एक बंदा ऊपर रहने देना, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। और रैंक पुश के अलावा ना यहाँ पे तुम लोग फन करने के लिए भी आ सकते हो, और ये वाली ट्रिक ना काफी भौकाल लग रही है और देखने में भी काफी गजब लग रही है। बात तो सही है। और ना ये वाली ट्रिक को अगर तुम लोग अपने फ्रेंड को बिना बताए करते हो ना तो मतलब वो लोग देख के पूरा पगला जाने वाले कि मतलब तुम्हारा ट्रिक कैसे वर्क कर रहा है, मतलब तुम लोग पानी के नीचे आ चुके हो पूरा। तो ना तुम लोग देखते तो अपनी पहली वाली ट्रिक कुछ अचानक भयानक भयंकर है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लेना है, उसके बाद तुम लोग अपने व्हाइट वाली गाड़ी को लेकर ना ऑब्जर्वेटरी के इस वाली जगह पे आ जाना है, और ऑब्जर्वेटरी पे अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लाने के बाद ना तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को कुछ ऐसे इस ट्रक के साथ मतलब सटा के कुछ ऐसे लगा देना है। फिर तुम लोग यहाँ पे बैठ के इंटर और गेट आउट करना है, और उसके बाद देखिए तुम लोग ना पूरा बस के अंदर आ चुके हो। और ना यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, तो साथ साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो। और तुम लोग को पता ही है कि ऑब्जर्वेटरी पे ना कितने सारे बंदे ही आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। और ना अगर ये वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने तुम लोग करवाने हो ना तो वो लोग पगला जाएंगे पूरा, मतलब वो लोग ना मतलब चौंक जाएंगे कि ये कैसे कर रहा है। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग को ऊपर मतलब पूरे साइड की मतलब चीजें दिखाई दे रही है कुछ ऐसे, मतलब ये वाली ट्रिक ना देखने में काफी खतरनाक लग रही है। और इस वाली जगह पे आके ना तुम लोग अपना रैंक पुश वही कर सकते हो, अपने स्क्वाड के साथ भी तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो, मतलब चारों बंदे यहाँ पे आकर बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, हीरो को ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। बहुत सही, बहुत सही। हमें तीसरे नंबर वाली ट्रिक को करने के लिए तुम लोग मिनी लॉन्च पैड लेके अपने इस वाली जगह पे आ जाना टावर के पास, उसके बाद तुम लोगों ने मिनी लॉन्च पैड ना कुछ इस वाली जगह पे ऐसे लगा देना है। फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना और जो तुम्हारा लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है, और उसके बाद देख ही सकते हो ना तुम लोग पूरा इस वाले टावर के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे आते हो यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, साथ साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो तुम लोग इस वाली जगह से। और लिटरली ना भाई लोग यहाँ पे तुम लोगों को कोई देख ही नहीं पाएगा, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, साथ साथ तुम लोग अपने स्क्वाड के साथ भी इस वाली जगह पे आ सकते हो। और ना अगर तुम लोग अपने टीममेट्स को वाली ट्रिक बताओगे ना तो मतलब पूरा मतलब पगला जाएंगे, और उन्हें बोल देना चैनल को सब्सक्राइब भी करने के लिए आगे, मतलब कि इस वाली ट्रिक इस्तेमाल करके ना तुम लोग चारों साइड नजर रख सकते हो कुछ ऐसे, और यहाँ से बहुत सारे किल भी कर सकते हो तुम लोग। और यहाँ से देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है, और ये वाली ट्रिक भी काफी खतरनाक लग रही है। तो हमें चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग इस वाले टावर के पास ना अपने मिनी लॉन्च पैड को कुछ इस वाली जगह पे लगा देना, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है कुछ ऐसे, और जो तुम्हारा लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है, और उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा टावर के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओगे यहाँ पे आने में तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो, और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो। और ना इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल तुम लोग अपने फ्रेंड्स को बिना बताए कर रहे हो ना तो मतलब यहाँ पे इस वाली ट्रिक को दिखा के ना उन लोगों को पगला सकते हो पूरा तुम लोग। और ये वाली ट्रिक ना लास्ट जोन के लिए काफी हेल्पफुल है कि कई बार मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसी जगह पे जोन बन जाता है तो तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना और इसके अंदर आकर अपना रैंक पुश कर लेना है। और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग लास्ट में अपना बहुत ही खतरनाक तरीके से भुजिया कर सकते हो। तो अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग एक कटाना चाहिए, तो तुम लोग एक कटाना को ले लेना है, और फिर तुम्हारा जो स्प्रिंट करने वाला बटन होता है ना जो फायर का बटन होता है सबसे पहले तुम लोग स्प्रिंट करना, उसके बाद तुम लोग कटाना को भांज के कुछ ऐसे, उसके बाद तुम लोग मिनिमाइज कर देना अपने गेम को। और ना जैसे तुम लोग ऐसे मिनिमाइज करोगे ना तुम्हारे फ्रेंड को कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। तो अभी मेरा फ्रेंड ना इस वाली ट्रिक को कर रहा है, तो तुम लोग देख सकते हो मतलब क्या ही खतरनाक देखने में लग रहा है। मतलब तुम्हारा फ्रेंड ना ऐसे कुछ कटाना भाजे हुए खड़ा है, मतलब देखने में काफी भौकाल लग रहा है वाला ट्रिक। और अगर कोई इनेमी इस वाली ट्रिक को देखे या तुम्हारा फ्रेंड कोई ना इस वाली ट्रिक को देखे तो पूरा मतलब खतरनाक तरीके से ना पगला जाने वाला है। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से तुम लोगों को सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी तक नहीं लाइक किया, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लगा रहे ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स डेली देखने के लिए। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।